हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल। दूसरा स्विमिंग बाय मनी, टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लगा लो कि स्विमिंग टिप्स लगा लो या फिर स्विमिंग की जो वीकनेस होती है या फिर जो आप गलतियाँ करते हो उसके ऊपर स्पेशलिस्ट। आज की गलती क्या है कि आप जब स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग में आपको नहीं पता चलता कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो उसकी टिप्स रहेंगी कि आप छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान कैसे दे सकते हो। ठीक है, कभी भी आप नोट करना, जब आप मेरी वीडियो देख के स्विमिंग सीख रहे हो तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब हम फ्री के पैर चलाते हैं तो पैर कितने फोल्ड हो रहे हैं, कितने बाहर आ रहे हैं, कितना पानी उछल रहा है। ठीक है, जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर मैं सारी डिस्कशन करने वाला हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है जिसके कारण आप अच्छे हो सकते हो और आपकी स्विमिंग और बेटर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपकी फ्लोटिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पे आते हैं किकिंग। ठीक है, किकिंग जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। जनरली अगर आप फ्लोटिंग तक पहुंच गए हो या फिर किकिंग तक पहुंच गए हो तो आपने ब्रीथिंग करनी है। ठीक है, अगर आपकी ब्रीथिंग, किकिंग और फ्लोटिंग सही है तो हैंड मूवमेंट इतनी मुश्किल बात नहीं होती। जब हम इनको, हैंड और किकिंग को एक साथ चलाते हैं तो हमारे में प्रॉब्लम इशू आता ही आता है। जहाँ हैंड चलते तो पैर नहीं चलते, पैर चलते तो हैंड नहीं चलते, जब हैंड सांस लेना होता है लेग्स नीचे चली जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, ये प्रैक्टिस के साथ ही दूर होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे दूर होती रहेगी। ठीक है, अब क्या है, अब सपोज करो आपके साथ कोई फ्रेंड गया हुआ है जो कि अभी पूल में नहीं है, जहाँ फिर पूल में है भी, तो उसको दो मिनट के लिए बोल दो कि भाई आप बाहर से मेरी शूट कर लो वीडियो और उस वीडियो को आप गौर से देखो कि क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है, आप मेरी वीडियो के साथ मैच कर सकते हो कि मैं कहाँ से गलती कर रहा हूँ, या फिर जब आपने मेरी वीडियो पहले देखी होगी आपको पता होगा कि आप में क्या गलती हो रही है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दो गलतियाँ कन्फर्म मैं बता सकता हूँ, एक तो आपके लेग्स ऐसे ऐसे हल्के हल्के चल रहे होंगे, या फिर आप लेग्स को ज़्यादा फोल्ड करके ऐसे ऐसे चला रहे होंगे जो आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आपको बस आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, जब आप वीडियो अपनी खुद देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी मिस्टेक क्या है। ठीक है, मतलब कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, आप मेरी वीडियो देख लो, मेरी नहीं देखनी, जो भी आप देख रहे हो उसकी देख लो, पर आप जो चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो उस प्रैक्टिस को दूसरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ आप जोड़ के देख सकते हो कि मेरी प्रैक्टिस में क्या गलती है। उससे क्या होगा कि आप पानी के बाहर, क्योंकि जब आप तैरते हो तो आपको नहीं पता लगता, पर जो बाहर से देख रहा है वो बता सकता है कि आपकी क्या गलती है। जब आपकी वीडियो बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती हो रही है। आप अपनी वीडियो को 4 से 5 बार खुद अपनी वीडियो को देखो, देखो कि क्या कमी है, उसके बाद उसमें ऊपर काम करो, इम्प्रूवमेंट करो। जैसे कि बैक स्विमिंग में मैं जो डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, स्कूल डिस्ट्रिक्ट हो रहा था, मैंने बताया था कि कुन्निका के नी बाहर आ रहे हैं, वो गलती थी। अगर वो छोटी गलती के ऊपर काम करेगी तो आगे फ्यूचर में स्टैमिना के ऊपर क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो गलत स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग वो भी हो रही है पर गलत कर रहे हैं, क्या होता है कि वो एक एक टाइम लिमिट आ जाएगी जिसके कारण उसके बाद उसका टाइम ना टूटेगा ना बढ़ेगा। फिर उसको टेक्निक के ऊपर काम करेगी तो जो उसने सीखा है वो सारा प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि फिर वो उसको थोड़ा करने में ज़्यादा मुश्किल होती है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, अगर कोई बिगिनर है सॉरी फ्रेंड्स, मुझे खांसी जुकाम बहुत है उसके लिए सॉरी, अगर कोई बिगिनर है वो पहले ही टेक्निक के ऊपर काम कर रहा है तो वो जल्दी सीख जाएगा। अगर कोई सीखा हुआ प्लेयर है, गलत टेक्निक के ऊपर उसने काम कर रखा है 2 साल से या 6 महीने से या 2 महीने से, तो उसको वो छोड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो स्टार्टिंग में ही आप छोटी छोटी वीकनेस पे काम कर दो ताकि आगे जाके फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, चाहे आपने 1 महीने के लिए स्विमिंग करनी, चाहे 2 महीने के लिए करनी, चाहे 3 महीने के लिए करनी। अगर आपने टेक्निक के ऊपर काम कर दिया तो आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप स्विमिंग स्टार्ट करते हो, सपोज करो आपने 2 महीने स्विमिंग की उसके बाद छोड़ दी, उसके बाद आप स्विमिंग स्टार्ट करोगे तो आपको टेक्निक्स पता होगी तो आप इजीली स्विमिंग कर पाओगे। ठीक है, और टेक्निक्स में क्या रहता है कि जैसे कि आप किक चला रहे हो, ठीक है, उसमें क्या कमी है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, वो कमी दूर करनी है आपने, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद जो आपके क्या कहते हैं स्टैमिना के ऊपर रहती है, ये स्टैमिना के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, स्टैमिना सिर्फ प्रैक्टिस करने से आ सकता है। कई मुझे कहते हैं कि मैं 2 किक्के मारता या 1 राउंड मारता हूँ मैं थक जाता हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है कि आप कंटिन्यू राउंड मारो जो कि आपके स्टैमिना को बूस्ट अप करेगा। क्या होता है जब हमारा स्टैमिना नहीं होता, जैसे कि अब मेरा बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, मैं 25 मीटर मारता हूँ और मैं थक जाता हूँ। रीज़न क्या है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, स्विमिंग मुझे आती है, सारा कुछ आता है, पर मैं आपको परफेक्टली 2 से 4 हाथ या 5 हाथ मार के दिखा सकता हूँ कि हाँ भैया ये स्विमिंग है, ऐसे करनी है, पर मेरी प्रैक्टिस ना होने के कारण जब मैं इसको लॉन्ग करूँगा तो मैं थक जाऊँगा, जल्दी थक जाऊँगा। तो अगर मैं, मुझे कोई बोले कि 50 मीटर मारना है जल्दी से जल्दी मार दे,
तो मेरा टाइम लगभग फ्री में 42 आएगा, 42 या 40 43 इसके आसपास आएगा। रीज़न क्या है कि मेरा स्टेमिना नहीं है, पर मैं अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस करूँगा तो मेरा 25 जल्दी आ जाएगा। रीज़न क्या है कि मुझे टेक्निक्स पता है, ठीक है, तो मैं पानी में कम जाता हूँ। मतलब कि ये रहता है कि मैं बिज़ी बहुत रहता हूँ, दो चैनलों पे वीडियो बनानी होती है, शॉप को देखना होता है और बाकी भी बथेरे काम होते हैं, समझ सकते हो ना, जैसे चिंटू को सिखाना होता है, तो काफ़ी बिज़ी रहता हूँ मैं, जिसके कारण मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। तो संडे वाले दिन मेरे साथ मनीष होता है, तो कभी कभी मैं कर लेता हूँ, तो वही थोड़ा बहुत स्टेमिना है नहीं रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने स्टेमिना के ऊपर काम करना है तो आपको कंटिन्यू राउंड मारने पड़ेंगे, अगर आपने स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा उसके लिए आपको टेक्निक्स, डाइट और स्प्रिंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्प्रिंट क्या होती है, मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था स्प्रिंट क्या होती है। स्प्रिंट ये होती है भाई, ये 25 मीटर का पुल है, वहाँ से यहाँ इस दीवार तक, उस वहाँ से लेके यहाँ तक आपने टाइम नोट करना है कि आप कितनी देर में एक 25 मीटर का वेथ कंप्लीट करते हो, मतलब कि कितनी तेज़ी से आप करते हो। 25 मीटर जो आपने स्विमिंग करनी है उसमें आपने पूरी एनर्जी लगानी है ताकि कम से कम टाइम आए, ठीक है। 25 मीटर की स्प्रिंट मारनी है, मतलब कि ये लगा लो कि आप एक किस्म की रेस मार रहे हो और पूरी जान लगा के मारनी है। और जब आपका बाहर से कोई टाइम नोट करना वाला होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि अब की स्प्रिंट में आपने कितना टाइम दिया, दूसरी स्प्रिंट में कितना दिया, तीसरी में कितना दिया, चौथी में कितना दिया। 20 स्प्रिंटें, कम से कम 20 स्प्रिंटें मारोगे तो आपको पता होगा कि 20 स्प्रिंटों में आपका क्या रहा। पहली स्प्रिंट से लेकर लास्ट की स्प्रिंट तक आपने टाइम नोट करना है कि कितना रहा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आंखों में सूर्य बोर्ड पड़ रहा है, तो वो इसलिए आपको आंखें थोड़ी मैं मीच के कर रहा हूँ, मेरी आंखों में दिक्कत हो रही है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अभी आप सूर्य देख सकते हो इधर है और मेरी आंखों में पानी आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और स्विमिंग टेक्निक्स में ऊपर क्या होता है कि जो हाथ मारते हैं आप हाथ खुले रखते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। जब ये पानी में, खैर हाथ तो आपको दिख नहीं रहे होंगे, पर मैं बता देता हूँ कि जब भी आप स्विमिंग करते हो आप खोल के हाथ कभी भी पानी को हम पुश नहीं कर सकते। यार बहुत दिक्कत हो रही है मेरी आंखों में सूरज की वजह से, सॉरी फ्रेंड्स। खोल के आप हाथों को नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, स्विमिंग नहीं कर सकते, आप पानी को ऐसे कभी नहीं खींच सकते। पानी को खींचने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हाथ मूवमेंट है, इससे आप पानी जल्दी पुश कर पाओगे और ज़्यादा पुश कर पाओगे, ठीक है। आपके मसल्स का जोर लगेगा, ये वाले मसल का और ये वाले मसल का जोर लगेगा, और हाथ को मतलब कि एक थोड़ा साइंस लगा के यूज़ करने हैं आपने। अगर आप नीचे को पुश करोगे तो बॉडी कहाँ जाएगी, अगर आप पीछे को पुश करोगे कहाँ जाएगी, अगर आप नीचे से ऊपर को करोगे तो बॉडी कहाँ जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप हाथ को यहाँ डुबो के यहाँ खींच रहे हो तो आपको ज़्यादा लगेगा। अब सैंपल बताता हूँ, क्या बेसिकली क्या होता है कि आप हाथ को ऊपर ले जाके ऐसे मारते हो, जिसमें क्या होता है कि हम ऊपर ले जाने की एनर्जी वेस्ट करते हैं, फिर जब नीचे मारते हैं ये हाथ नीचे जाता है तो हमारी बॉडी ऊपर आती है, ठीक है। हमारा काम क्या है, हमने सही हाथ कैसे चलाने हैं, ये मूवमेंट आपने लेनी है, ठीक है। ये यहाँ से सेटेट होगी, फिर यहाँ से इसको पास में रखना, मतलब कि ये सपोज करो ये मैं पानी में हूँ, मैंने ये हाथ खींचा, इसको यहाँ पास में लेके आए, फिर आगे जब ये सीधा हो गया ना बाजू, जब ये सीधी होगी तो इसको हल्का सा पानी में डुबो के फिर दूसरी खींच, ठीक है। ये चेक कर सकते हो मेरा हाथ ए ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये हाथ को हमने ऐसे लेके जाना है, ठीक है। ये देख सकते हो बॉडी के साथ है, मतलब कि बॉडी के साथ। कईयों की गलती क्या होती है कि वो हाथ ऐसे चलाते हैं, रीज़न ऐसे, जिसके कारण बॉडी इधर जा रही है इधर जा रही है, ठीक है। पर करना क्या है, ये आपने हाथ को सिंपल लेके आना है यहाँ तक, पीछे फिर आगे से यहाँ से पीछे, ये देखो हाथ पूरे स्ट्रेट हो गए। इससे क्या होगा, आप लंबे लंबे हाथ चलाओगे यहाँ से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक लेके इतना लंबा हाथ चलाया, जिसके कारण आपकी स्पीड बहुत हो जाएगी और आपके हाथ कम चलेंगे, एनर्जी कम वेस्ट होएगी, बट आपकी स्पीड फास्ट रहेगी। इसके साथ आपकी किकिंग फास्ट है तो ऑसम है, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी आंखों में पानी बहुत आ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स। ये चीज़ आपने फ्री में करनी है, ठीक है। और सेम बैक में भी रहता है, बैक में आपने ऊपर करके ये जितना, जैसे बैक में क्या होता है कि जब आप बैक चलाते हो तो आपकी कमर ऐसे लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए, ये हाथ जा रहा है, कई हाथ तो ऐसे बंदे ऐसे घुमाते रहते हैं ऐसे ना, ये हाथ बैक जाएगा इतना, ये जब पानी में जाएगा, जब ये पानी में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जाने के बाद ये सीधा हो गया, इसको नीचे खींचा, यहाँ तक आया, इसको सीधा यहाँ तक मारा, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ ठीक है, ये देन पावर, ये यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक है, देन वापस आ जाएगा। जो शोल्डर की मूवमेंट है वो देखो कैसे चलेगी बैक में, ये और ये, यही फ्री में चलती है, ये ऐसे फ्री में, जिसमें हमारा ये शोल्डर आपके ऐसे इधर से ऐसे, जैसे अगर और बॉक्स है ना, यहाँ से ऐसे शोल्डर चलेंगे, बल्कि ऐसे 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 शोल्डर चलेंगे, ठीक है। अगर आपके शोल्डर ये वाले चल रहे हैं तो आपकी स्विमिंग लगभग काफ़ी हद तक सही होगी, बल्कि रीज़न
ये पीछे तक हाथ जाएगा तो ये शोल्डर यहाँ तक जाएगा जाएगा, ठीक है, ये आगे से आया फिर ये गया, ठीक है, ये आया, ठीक है। इसके कारण आपकी स्विमिंग एंड पानी की तरह जाओगे आप, पर जोर नहीं लगेगा पर स्पीड बहुत होगी और आपको महसूस भी होगा कि मेरी स्पीड किस लेवल पर जा रही है, जिसके कारण आपको ना तो सांस चढ़ेगा और ना आपका जोर लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो ये थी छोटी 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 स्विमिंग की टिप्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ब्रीथिंग ब्रशिंग सबके ऊपर आप काम करो अच्छे से, और मेरी ब्लेसिंग है। आपको कुछ भी पूछना है मुझे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पूछ सकते हो। फालतू का मैसेज कुछ मत डालना, कुछ भी मत डालना, सिर्फ स्विमिंग और मोबाइल से रिलेटेड कुछ पूछना है पूछ लेना, अदरवाइज कोई भी फालतू का मैसेज मत डालना। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो देखते हो। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसमें आपको मिलती है मोबाइल की अनबॉक्सिंग, गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।